वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज़ कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब

सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जंभाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या है? इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानव से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की से भी भी नहीं की गई लेकिन यहां पर जो है वो आप लोगों को एक्शन और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में होगी। तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज़ कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब

सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जंभाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेशन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की, से भी भी स्टार्ट नहीं की गई लेकिन यहां पर जो है वो आप लोगों को एक्शन और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज़ कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब

सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहाँ पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो, जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री सेवनटी दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेशन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के अभी स्टार्ट नहीं की गई लेकिन यहां पर जो है वो आप लोगों को एक्शन और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय की। वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब

सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहाँ पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक, एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को बहुत तरीके यहां को अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या है? इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को, को, को पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी मैंने देखी है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती है और ये कोई भी वर्गल लैंग्वेज या वलग सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम एज ए लीड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहां पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की से भी परसेंटेज अभी स्टार्ट नहीं की गई लेकिन यहां पर जो है है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी क्या मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को एक्शन ड्रामा क्राइम थ्रिल और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय की। वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी आर्टिकल 370 के बारे में ये बेसिकली तो एक जो है वो बनाई गई है स्टोरी लाइन एक ट्रू पर बनाई जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे कि आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारी के सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या है? इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेशन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के परसेंटेज अभी स्टार्ट नहीं की गई लेकिन यहां पर आप लोगों को एक्शन और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय की। वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज़ कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब

सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी, थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की यूजर्सलीसेंटेज अभी स्टार्ट नहीं की गई लेकिन यहां पर जो है है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी क्या मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को एक्शन ड्रामा क्राइम थ्रिल और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात कर यहां पर इस मूवी की जो है वो सारा का सारा टाइम डोरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के, इस की जो के बहुत ही और इस की को एक चांस देना चाहिए बढ़े एंड बात करें यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड ये मूवी जो है वो बेसिकली कहां पर रिलीज की जाएगी तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज की जाएगी और और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दूँगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज़ कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी आर्टिकल 370 के बारे में ये बेसिकली तो एक जो है वो बनाई गई है स्टोरी लाइन एक ट्रू इवेंट पर बनाई जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे कि आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर चम, यहां पर आर्टिकल 370 के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से भी भी नहीं की गई। लेकिन यहां पर जो है वो और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात यहां पर इस मूवी की जो है वो सारा का सारा टाइम डोरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी बहुत ही और इस की होने वाली है यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड ये मूवी जो है वो बेसिकली कहां पर रिलीज की जाएगी तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज की जाएगी और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी। तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दूँगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज़ कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है है जी आर्टिकल 370 के बारे में ये बेसिकली तो एक जो है वो बनाई गई है स्टोरी लाइन एक ट्रू इवेंट पर बनाए जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे कि आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर चम, यहां पर आर्टिकल 370 के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री सेवनटी दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

बोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से भी आप लोगों को एक्शन थ्रिल और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात यहां पर इस मूवी की जो है वो सारा का सारा टाइम डोरेशन कितनी है तो ढाई घंटे की टाइम ड्यूरेशन होगी बहुत ही टाइम डोरेशन होने वाली है मेरे से आप लोगों को इस मूवी की जो है वो सारे सारे यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड ये मूवी जो है वो बेसिकली कहां पर रिलीज की जाएगी तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज की जाएगी और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दूँगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है है जी आर्टिकल 370 के बारे में ये बेसिकली तो एक जो है वो बनाई गई है स्टोरी लाइन एक ट्रू इवेंट पर बनाए जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे कि आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर चम, यहां पर आर्टिकल 370 के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहाँ पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेशन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया जाए

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दूँगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं पर बनाई जाने वाली सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते सारे सारे के क्वेश्चंस सारे को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहाँ पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहां पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया जाए

बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से आप लोगों को एक्शन और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात यहां पर इस मूवी की जो है वो सारा का सारा टाइम डोरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी बहुत ही और इस की टाइम होने वाली है यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड ये मूवी जो है वो बेसिकली कहां पर रिलीज की जाएगी तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज की जाएगी और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी आर्टिकल 370 के बारे में ये बेसिकली तो एक जो है वो बनाई गई है स्टोरी लाइन एक ट्रू इवेंट पर बनाई जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे कि आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारी के सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को, काफी सारे अच्छे 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 देखने को मिल जाएंगे, आज तक जितनी भी मूवीज दी है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती हैं और ये कोई भी वलगर लैंग्वेज या वलगर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज एड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहां पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कौल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया जाए

बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानव से भी आप लोगों को एक्शन और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात यहां पर इस मूवी की जो है वो सारा का सारा टाइम डोरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो कि एक बहुत ही और इस की होने वाली है मेरे ही साथ से आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड ये मूवी जो है वो बेसिकली कहां पर रिलीज की जाएगी तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी और सिर्फ थियेटर्स में रिलीज की जाएगी और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दूँगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है है जी आर्टिकल 370 के बारे में ये बेसिकली तो एक जो है, वो बनाई गई है स्टोरी लाइन एक ट्रू इवेंट पर बनाए जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे कि आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल 370 के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी एक्टर्स को मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी मैंने देखी है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती है और ये कोई भी वलगर लैंग्वेज या वलगर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज एड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहां पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जैनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया जाए

बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानव से आप लोगों को एक्शन और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात यहां पर इस मूवी की जो है वो सारा का सारा टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो के बहुत ही और इस की होने वाली है मेरे से आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड ये मूवी जो है वो बेसिकली कहां पर रिलीज की जाएगी तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज की जाएगी और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दूँगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर है तो है बनाई जाने वाली सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर चम, यहां पर आर्टिकल 370 के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

गोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कौल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानव से भी नहीं की गई लेकिन यहां पर जो है वो कितनी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दूँगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर है तो है, बनाई जाने वाली सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर चम, यहां पर आर्टिकल 370 के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है <único Liberty Overwatch> क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या है? इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी एक्टर्स को मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी मैंने देखी है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती है और ये कोई भी वर्गर लैंग्वेज या वलगर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज एड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया जाए

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से भी मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दूँगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है है जी आर्टिकल 370 के बारे में ये बेसिकली तो एक जो है वो बनाई गई है स्टोरी लाइन एक ट्रू इवेंट पर बनाए जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे कि आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल 370 के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहाँ पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी एक्टर्स को मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी मैंने देखी है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती है और ये कोई भी वर्गर लैंग्वेज या वलग सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज एड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया जाए

यहां पर इस मूवी की जो है वो सारा का सारा टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो के एक बहुत ही और इस की होने वाली है मेरे से आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड ये मूवी जो है वो बेसिकली कहां पर रिलीज की जाएगी तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज की जाएगी और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दूँगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहां पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है है जी आर्टिकल 370 के बारे में ये बेसिकली तो एक जो है वो बनाई गई है स्टोरी लाइन एक ट्रू इवेंट पर बनाई जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे कि आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहाँ पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी मैंने देखी है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती है और ये कोई भी वर्गर लैंग्वेज या वलगर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज ए लीड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया जाए

यहां पर इस मूवी की जो है वो सारा का सारा टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो के एक बहुत ही और इस की होने वाली है मेरे से आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड ये मूवी जो है वो बेसिकली कहां पर रिलीज की जाएगी तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी और सिर्फ थियेटर्स में रिलीज की जाएगी और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है है जी आर्टिकल 370 के बारे में ये बेसिकली तो एक जो है वो बनाई गई है स्टोरी लाइन एक ट्रू इवेंट पर बनाए जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे कि आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो, जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले उन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने, देखने को मिलेंगी मेरे से मुझे ऐसा लगता है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती है और ये कोई भी वर्गर लैंग्वेज या वलगर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज ए लीड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेशन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर, पर बनाई जाने वाली सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे, अच्छे देखने को मिल जाएंगे। ऐसा लगता है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती हैं और ये कोई भी वर्गर लैंग्वेज या वलगर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज अड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया जाए

बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानव से भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात यहां पर इस मूवी की जो है वो सारा का सारा टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो कि एक बहुत ही और इस की होने वाली है मेरे ही साथ से आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलेगी एंड ये मूवी जो है वो बेसिकली कहां पर रिलीज की जाएगी तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज की जाएगी और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर है तो है, बनाई जाने वाली ये सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप लोग इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे, अच्छे, अच्छे देखने को मिल जाएंगे, ऐसा लगता है, जितनी भी मैंने देखी है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती हैं और ये कोई भी वर्गर लैंग्वेज या वलगर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज अड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जैनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया जाए

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की से भी ऑब्वियसली परसेंटेज अभी स्टार्ट नहीं की गई लेकिन यहां पर जो है वो आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें

कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं। यहां पर तो बनाई जाने वाली सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर चम, यहां पर आर्टिकल 370 के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे, अच्छे, अच्छे देखने को मिल जाएंगे, ऐसा लगता है, जितनी भी मैंने देखी है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती हैं और ये कोई भी वर्गर लैंग्वेज या वर्गर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज ए लीड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जैनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी, की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, डेफिनेटली, डेफिनेटली इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं। यहां पर तो बनाई जाने वाली सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते इन सारे सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या है? इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स को, मिल को, को मिलेंगी जिन्होंने तो एक अलग ही और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती हैं और ये कोई भी वर्गर लैंग्वेज या वर्गर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज ए लीड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से भी परसेंटेज स्टार्ट नहीं की गई लेकिन यहां पर जो है वो आप लोगों को एक्शन और मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं। यहां पर तो बनाई जाने वाली सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की इस तो कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर, है। पर हैंडल किया है। गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या है? इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आईएमडीबी रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइबर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं। यहां पर तो बनाई जाने वाली सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी, थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री सेवनटी दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी मैंने देखी है मुझे एक और यूनिक देखने को मिला है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती हैं और ये कोई भी वर्गर लैंग्वेज या वर्गर सीन जो है यूज नहीं करते तो इसी वजह से मैं इनका पर्सनली फैन हूं और यमी गौतम यहां पर एज ए लीड रोल प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

और कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय की वेल well, तो जी हमें बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी मूवीज़ बहुत अच्छी रहती हैं जी हाँ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं तो आज की ये जो मूवी है वो भी एक ऐसी हीरोइन की होने वाली है जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं और आज जिस मूवी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या उनकी ये मूवी जो है वो अच्छी है ब्लॉकबस्टर रहेगी या फिर नहीं रहेगी रिलीज़ कर दी गई है या नहीं की गई तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं। यहां पर तो बनाई जाने वाली सारी की सारी मूवी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे आप इस मूवी को जो है वो बेसिकली कहां पर देख सकते हैं किस लैंग्वेज में देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर चम, यहां पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस यहां पर मूवी की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है आदित्य सुहास जम्भाले ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी क्या इससे पहले इन्होंने कोई मूवीज़ दी थी या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी इस तरह से हम जो है वो सारी की सारी जो है वो हम इस मूवी की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आदित्य सुहास ने इससे पहले आप लोगों को एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी एंग्री इंडियन गुडनेस तो वो मूवी भी काफी अच्छी थी उससे पहले इन्होंने खरवास दी थी वो भी काफी अच्छी थी एंड अभी इन्होंने आर्टिकल थ्री सेवनटी दी है तो हां ये भी काफी अच्छी मूवी है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए

प्ले करने वाली हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिया मनी देखने को मिलेंगे अश्विनी कॉल वैभव और अरुण गोविल और किरण कर्मकार आप लोगों को इस मूवी की जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी का जो है वो जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर और अभी तक ये रिलीज़ की गई है या नहीं की गई और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो आई रेटिंग वाला सेक्शन है और गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज मिलती है वो वाला सेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं किया गया इस मूवी को रिलीज़ किया

बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को, definitely, definitely इस को एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह की मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें

कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी आप लोग इस मूवी को और कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में अवेलेबल होगी तो आप लोग डेफिनेटली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय